हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 5, इंडियन टेंपल स्कल्पचर्स. टाइम पीरियड इज 6 टू 13 सेंचुरी एडी. लेट अस डिस्कस अबाउट स्कल्पचर. स्कल्पचर इज अ थ्री डायमेंशनल फॉर्म ऑफ विजुअल आर्ट. इट इंक्लूड्स द आर्ट ऑफ कार्विंग, कंस्ट्रक्टिंग, कास्टिंग और मोल्डिंग इन स्टोन, वुड, मेटल, फाइबर एक्सेट्रा. जो स्कल्पचर हैं वो 3D फॉर्म में होते हैं, जिसमें कार्विंग, कास्टिंग की जाती है. ये स्टोन के, वुड के, मेटल के या फाइबर के भी होते हैं. नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन. नियरली एवरीवन हु विजिट इंडिया और साउथ इंडिया इन पर्टिकुलर रिटर्न्स विद एन इम्प्रेशन दैट इट इज अ लैंड ऑफ टेम्पल्स. जिसने भी इंडिया को या फिर स्पेशली साउथ इंडिया में विजिट किया हो, उनका मानना यही है कि इट इज़ अ लैंड ऑफ टेम्पल्स. साउथ इंडिया इज डॉटेड विद द ग्रेट नंबर ऑफ टेम्पल्स. मैनी ऑफ देम आर एंशियंट एंड हैव बिकम प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज. साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा टेम्पल्स जो हैं वो हम देख सकते हैं. ज़्यादातर जो टेम्पल्स हैं वो एंशियंट टाइम के ही बने हुए हैं. Apart from the cities, a good number of towns or villages have two or more temples each. अगर हम cities के अलावा towns और villages की बात करें तो वहाँ पर भी 2 or 3 temples जो हैं वो बने हुए हैं. Next is, in ancient times, the making of Indian sculptures was begun for the decoration of temples. Ancient time में इंडियन स्कल्पचर्स जो हैं वो टेम्पल्स की डेकोरेशन के लिए बनाए जाते थे. दिस प्रोसेस स्टार्टेड फ्रॉम रॉक कट टेम्पल स्कल्पचर टू ह्यूज रथास विच फाइनली लेड टू द लार्ज स्केल स्ट्रक्चरल टेम्पल्स. इनकी स्टार्टिंग रॉक कट टेम्पल से ह्यूज रथा तक पहुंची, जिसमें से जो स्ट्रक्चरल आर्ट है उसको प्रमोट किया गया. इट ऑल बिगेन विद द गुप्ता आर्ट 4 to 6 सेंचुरी. दो वी हैव फाउंड एविडेंस ऑफ सच श्राइन्स बिफोर डेट ऑल्सो. इसकी स्टार्टिंग गुप्ता आर्ट से हुई, लेकिन इससे पहले भी हमें कुछ श्राइन्स मिली हैं, कुछ एविडेंस भी मिले हुए हैं. बाय द एडवेंट ऑफ 8th सेंचुरी दिस टेम्पल बिल्डिंग टुक ऑल ओवर इंडिया लाइक Pals in the east, Cholas and Palvas in the south, Rashtrakutas and Chandelas in the central India built temple of various architectural styles from 8th to 10th century. In sab ne bhi 8th to 10th century tak various architectural styles mein temples banwaye the. After this, Vijayanagar, Mysore, Rajasthan, Bengal and in Odisha also constructed such type of temples till 12th century. इसके बाद विजयनगर, मैसूर, राजस्थान, बंगाल और उड़ीसा में भी 12th century तक different types of temples जो हैं, अलग अलग types के जो temples हैं वो बनाए गए थे. In short, starting from 500 AD of Christian era, this architectural or structural temple art reached its climax till the construction of Meenakshi temple and Rameshwaram temple. We can say that the principles that were adopted and built these temples, these were based on Vastu Shastra. In temples ko build karne ke liye jo principles adopt kiye gaye That were based on Vastushastra. Vastushastra के according ही जो temples हैं वो बनाए जाते थे. Next is classification. There are two types of Indian temple structure. First is Nagada. Nagada style based on which temples of North India were built. And Dravida. Dravida style based on which temple of South India were built. Apart from this, another style that developed as an independent style, it was a mixed from a Nagada
एंड द्रविड़ा दैट इज नोन एज विसारा स्टाइल. क्लियर? विसारा स्टाइल नगाड़ा स्टाइल का और द्रविड़ा स्टाइल का मिक्सचर है. नेक्स्ट इज टेम्पल स्कल्पचर आइकोनोग्राफी. आइकोनोग्राफी हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडिया टेम्पल स्कल्पचर. लेट अस नो अबाउट इट. आइकोनोग्राफी मीन्स द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अटैच टू एन इमेज और इमेजेस. इट इन दिस केस इट इज ऑफ द गॉड गॉडेसेस एंड अदर मिथिकल बींग्स रिलेटेड टू देम. आइकोनोग्राफी मीन्स किसी भी एक सिंगल इमेज का या बहुत सारी इमेजेस का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. क्लियर? नेक्स्ट इज करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन टेम्पल स्कल्पचर. टेम्पल्स कंप्राइज ऑफ इलेबोरेट स्कल्पचर्स एंड ऑर्नामेंट्स दैट वर केयरफुली प्लान्ड एट देयर वेरी बिगनिंग. इन टेम्पल्स में स्कल्पचर और ऑर्नामेंट्स को केयरफुली प्लान किया गया है. रिवर गॉडेसेस आर फाउंड एट द एंट्रेंस इन अ नगाड़ा टेम्पल. नगाड़ा टेम्पल में की एंट्रेंस में हमें रिवर गॉडेस जो है वो देखने को मिलती है. वहाँ पर रिवर गॉडेस को बनाया गया है. एंड द्वारपाल्स आर यूजुअली फाउंड ऑन द गेटवे और गोपुरम ऑफ द्रविड़ा टेम्पल्स. और द्रविड़ा टेम्पल्स के गेटवे पे या फिर जिसको गोपुरम भी बोला जाता है वहां पर द्वारपाल्स जो हैं वो बनाए गए हैं. क्लियर? नेक्स्ट इज सिमिलरली इरोटिक इमेजेस नवग्रह एंड यक्षा आर आल्सो प्लेस्ड एट द एंट्रेंस एज गार्ड. इरोटिक इमेजेस नवग्रह और यक्षा फिगर्स जो हैं वो एंट्रेंस पे बनाई गई हैं. वेरियस फॉर्म ऑफ द मेन डिविनिटी आर मेड ऑन द आउटर वॉल्स ऑफ द चैम्बर. चैम्बर के आउटर वॉल्स के ऊपर जो देवता हैं उनको वेरियस फॉर्म में बनाया गया है. श्राइन्स अराउंड द मेन टेम्पल आर डिवोटेड टू द फैमिली और इनकारनेशन ऑफ द मेन गॉड. जो मेन गॉड जी की जो फॉर्म बनाई गई है उनकी प्रीवियस बर्थ से रिलेटेड या फिर उनकी फैमिली से रिलेटेड वहाँ पर जो स्कल्पचर्स हैं वो बनाए गए हैं श्राइन्स में. नेक्स्ट फर्स्ट इज डिसेंट ऑफ गंगा. वेरी इंपॉर्टेंट. मीडियम स्टोन पीरियड सिर्का 7th century AD. डायनेस्टी पलवास. लोकेशन महाबलीपुरम तमिलनाडु. कर्टेसी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. थीम और सब्जेक्ट मैटर अ बास रिलीफ. बास रिलीफ ऑल्सो कॉल्ड एज लो रिलीफ स्कल्पचर डिपिक्टिंग द लीजेंड ऑफ द फॉल ऑफ द गंगेज फ्रॉम हेवन. डिस्क्रिप्शन. इट इज अ लो रिलीफ स्कल्पचर मेड बाय पलवा एम्परर. The time period of this sculpture is assumed during 7th to 8th century. This sculpture is a living scene of the descent of Ganga from heaven to earth. ये low relief sculpture बनाया गया है पलवा के time पर. इसका जो time period है, इस sculpture का जो time period है, वो assume किया जाता है 7th to 8th century का है. और इस sculpture में Ganga को हेवन से अर्थ की ओर आते हुए ये वाला जो सीन है ये बनाया गया है. अ बियर्डेड थिन एंड स्टार्विंग भगीरथ अ वेयरिंग डियर स्किन स्टैंड्स वन लेग्ड प्रेइंग टू शिवा एंड लॉर्ड शिवा इज स्टैंडिंग अपवर्ड इन द पोस्चर गिविंग अ बूम. द स्मॉलर गाना और द्वाफ आर क्रिएटेड अंडर हिज हैंड. सी द स्कल्पचर. यहाँ पर भगीरथ को बनाया गया है जो कि एक लेग के ऊपर खड़े हुए दिखाए गए हैं. ये बहुत ही पतले बनाए गए हैं और इनकी दाढ़ी और मूछें भी बनाई गई हैं जो कि लॉर्ड शिव जी की प्रे कर रहे हैं. इनके साथ ही यहाँ पर लॉर्ड शिव जी को बनाया गया है जो कि उनको वरदान देते हुए दिखाए गए हैं.
लॉर्ड शिव के हैंड के नीचे ही एक द्वाफ भी बनाया गया है. क्लियर. सेकंड पॉइंट, ऑन द वाटरफॉल क्लिफ्ट गॉड गॉडेसेस नागराज एंड हिज क्वींस दे आर क्रिएटेड लाइक दे आर रनिंग टू सीन द अमेजिंग व्यू ऑफ लैंडिंग ऑफ गंगा. देयर वॉज अ ह्यूज रोर एट द टाइम ऑफ गंगाज डिसेंट एंड द सीन शोज गंगा क्रॉसिंग फ्रॉम द क्लाउड्स. सी, यहाँ पर सेंटर में एक दरार बनाई गई है जिसमें नागराज और उनकी क्वींस को इस तरह से बनाया गया है कि वह लैंडिंग ऑफ गंगा इस अमेजिंग व्यू को दौड़ते हुए देखने आ रहे हैं. इस सीन में गंगा को क्लाउड्स से होते हुए नीचे उतरते हुए बनाया गया है. द गॉड्स गॉडेसेस आर शोन कैप देयर हैंड्स ऑन ईयर्स बिकॉज ऑफ द थंडर. गॉड गॉडेसेस को अपने ईयर्स पर हाथ रखे हुए बनाया गया है. दे सीम फ्लाइंग एज देयर लेग्स आर बेंड. उनकी जो लेग्स हैं वो पीछे की ओर मुड़ी हुई हैं, इस तरह से लग रहा है जैसे ये फ्लाइंग फिगर्स बनाई गई हैं. यहाँ पर ये जो फ्लाइंग फिगर्स हैं वो बनाई गई हैं. Also seen are pairs of half bird, half human figures, possibly kinnars or gandharvas. Pair of half birds, half human वाली figures भी बनाई गई हैं, जो कि माना जाता है kinnars और gandharvas की बनाई गई हैं. Third point is, there is a group of yogis in the left side who are worshipping in the Palwa temple. One of them is in a meditation posture while two other yogis are in front of him. See, यहाँ पर पलवा टेम्पल के बीच में एक योगी को मेडिटेशन करते हुए दिखाया गया है और इनके फ्रंट साइड पर ही दो योगी और भी बनाए गए हैं. Fourth point, the rest of the rock is covered with other life forms, gods, goddesses, human, animals, big or small. Other, बाकी जो rock है उसके ऊपर different types of forms बनाई गई हैं, god, goddesses की, human की, animals की, चाहे वो big हैं या फिर small हैं. A family of elephants is superb in its amazingly well-modeled life like detail. The giant male elephant is followed by the smaller female elephant with calves sheltered between their legs. एक elephant family बनाई गई है. सबसे पहले male elephant बनाया गया है जिसके पीछे female elephant बनाई गई है और इस फीमेल एलिफेंट के बीच में, लेग्स के बीच में एक स्मॉलर एलिफेंट जो है वो बनाया गया है. फिफ्थ पॉइंट, टू लायंस एट द एंड्स ऑफ द रिलीफ आर स्पेशली सिंबॉलिक. इस रिलीफ के एंड पर टू लायंस बनाए गए हैं एज द गार्डियंस ऑफ द एंट्रेंस. An interesting carving in the relief is that of an ascetic cat standing on one leg, intending to eat the innocent mice playing around him. इस relief में एक cat को one leg के ऊपर खड़े हुए दिखाया गया है, जो कि meditation करते हुए इसको दिखाया गया है. इसके आसपास एक इनोसेंट माइस को खेलते हुए भी दिखाया गया है. ऑल फिगर्स आर वेरी वेल मेंटेन्ड एंड इन परफेक्ट बैलेंस इन द स्कल्पचर. इन एडिशन इट हैज अ गुड परफॉर्मेंस ऑफ वॉल्यूम रेशियो एंड डेप्थ. नेक्स्ट स्कल्पचर नेम इज त्रिमूर्ति, मीडियम स्टोन रॉक कट हाई रिलीफ स्कल्पचर. पीरियड सिर्का 9th सेंचुरी AD. डायनेस्टी राष्ट्रकूटास.
लोकेशन एलिफेंटा नियर बॉम्बे महाराष्ट्र कर्टेसी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थीम और सब्जेक्ट मैटर द थ्री फेस्ड स्कल्पचर ऑफ थ्री फेसेट्स ऑफ लॉर्ड शिवा। इस स्कल्पचर में लॉर्ड शिव जी के थ्री फेसेस जो हैं वो दिखाए गए हैं। डिस्क्रिप्शन, फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ रॉक कट हाई रिलीफ स्कल्पचर इन विच थ्री फेसेस ऑफ लॉर्ड शिवा आर शोन। ये जो हाई रिलीफ स्कल्पचर है ये बनाया गया है लॉर्ड शिव का, जिसमें थ्री फेसेस उनके दिखाए गए हैं। सेकेंड पॉइंट, देयर इज अ ब्यूटिफुल आइलैंड 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम मुंबई, देयर आर इलोरा केव स्टाइल टेम्पल्स नोन एज एलिफेंटा केव टेम्पल्स। मुंबई से 10 किलोमीटर अवे एक ब्यूटिफुल आइलैंड है जहाँ पर इलोरा केव स्टाइल्स की तरह ही टेम्पल्स बनाए गए हैं, जिसको एलिफेंटा केव्स टेम्पल्स जो है वो बोला जाता है। थर्ड पॉइंट, दीज आर मेनली फेमस फॉर दिस त्रिमूर्ति ऑल्सो नोन एज सदाशिव और महेश मूर्ति स्कल्पचर ऑफ लॉर्ड शिवा। ये जो त्रिमूर्ति है इसको सदाशिव और महेश मूर्ति के नाम से भी ये फेमस है। सी द स्कल्पचर। इट इज नॉट होल बॉडी स्कल्पचर of Lord Shiva, but it is of his face sculpture which reveals the mystery of Hindu religion. See, इस sculpture के सिर्फ faces ही बनाए गए हैं, पूरी body नहीं बनाई गई है, जो कि Hindu religion की mystery को reveal करती है। Next point, fourth, the central head of Trimurti represents the aspect of meditation towards God. त्रिमूर्ति का सेंट्रल हेड गॉड की मेडिटेशन के एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। इट हैज शिवा एज अ योगी हु आर सिटिंग इन मेडिटेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी एंड प्रेइंग टू गॉड। ह्यूमैनिटी के वेलफेयर के लिए यहाँ पर शिव जी को एज अ योगी पोजीशन में मेडिटेशन करते हुए दिखाया गया है। शिवा इज इन अ वेरी काम स्टेट लाइक लॉर्ड विष्णु। शिव जी को लॉर्ड विष्णु की तरह काम एक्सप्रेशन इनके फेस पर देख सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, द राइट फेस ऑफ द स्कल्पचर इज द फॉर्म ऑफ अघोर भैरव लुक्स ऑसम। जो राइट फेस है इस स्कल्पचर का वो अघोर भैरव का है। इट डिपिक्ट्स Shiva as the god of destruction who will make the world ashes with his anger. ये जो स्कल्पचर है थर्ड फेस है, शिव जी को as a god of destruction दिखाया गया है जो कि अपने एंगर से वर्ल्ड को ashes में बना देगा। It is a form of angry expression of an adult male with a mustache. इसमें जो angry expression है वो आप देख सकते हैं। Next is, left face is as a form of feminine aspect or Shiv Shakti which is connected with the energy that creates the world. जो left face है वो फेमाइन एस्पेक्ट या शिव शक्ति का है जो कि वर्ल्ड की क्रिएट होने की एनर्जी से कनेक्टेड है। इट शोज अ पर्सन्स सेंशुअल लाइफ एंड देयर एनर्जी। इट हैज समथिंग लाइक अ रोज और लोटस इन हिज हैंड विच सिंबोलाइज लाइफ एंड क्रिएटिविटी। इनके हैंड में रोज या लोटस पकड़ा हुआ है जो कि लाइफ और क्रिएटिविटी का सिंबल है। दिस स्कल्पचर हैज अ ब्रोकन राइट हैंड समथिंग होल्डिंग इन इट्स लेफ्ट हैंड। इस स्कल्पचर का जो राइट हैंड है वो ब्रेक हो चुका है और जो लेफ्ट हैंड है उसमें
कुछ इन्होंने पकड़ा हुआ है। इन त्रिमूर्ति द फेस रिप्रेजेंट्स लॉर्ड ब्रह्मा और द क्रिएटर द फेमिनाइन फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा। जो ये फेस है, लेफ्ट साइड वाला फेस है, ये ब्रह्मा और क्रिएटर का माना जाता है, उस तरह के ये फेस बनाया गया है। और जो कि लॉर्ड शिव की फेमिनाइन फॉर्म है। इन द एंड क्रिएटिंग दीज फेसेस टुगेदर विथ डिफरेंट एक्सप्रेशंस इज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ दिस स्कल्पचर। क्लियर?